इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय नौ। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय नौ। यरूशलेम में रहने वालों का प्रबंध। इस प्रकार सब इसराइली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इसराइल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है गिने गए, और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंधुआई में बाबुल को पहुंचाए गए। जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे वह इसराइली याजक लेविय और नतीन थे, और यरूशलेम में कुछ यहूदी कुछ बिन्यामिनी और कुछ एप्रेमी और मनश्शेई रहते थे, अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र उत्तय, जो उमरी का पुत्र और इमरी का पोता और बानी का परपोता था, और शिलोयो में से उसका जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र, और जेरह के वंश में से यूएल और इनके भाई, ये 690 हुए। फिर बिन्यामिन के वंश में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र होदव्याह का पोता और हसनुआ का परपोता था, और इब्री याह जो यरोहाम का पुत्र था, और एला जो उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था, और मशुल्लाम जो शपत्याह का पुत्र रुएल का पोता और इब्नी याह का परपोता था, और इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे, और याजकों में से यदायाह यहोयारीब और यकीन और अजरियाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्कियाह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहितूब का पुत्र था, और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था, यह पशहूर का पुत्र, यह मलकियाह का पुत्र, यह मासै का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह मशिल्लित का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था, और इनके भाई थे जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमायाह जो हशू का पुत्र, अजरीकाम का पोता और हशव्याह का परपोता था, और बकबक्कर हिरेश और गाला और आसाफ के वंश में से मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और ओबद्याह जो शमायाह का पुत्र, गालाल का पोता और यदुतुन का परपोता था, और बेरेक्याह जो आसा का पुत्र और एलकाना का पोता था जो पतोपाइयों के गांव में रहता था, और द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लुम, अक्कूब, तलमोन और अहिमान, इनमें से मुख्य तो शल्लुम था, और वह अब तक पूर्व और राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल यही थे, और शल्लुम जो कोरे का पुत्र, एव्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वह इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और पैठाव के रखवाले थे, और अगले समय में एलियाजर का पुत्र पिनहास जिसके संग यहोवा रहता था वह उनका प्रधान था। मिशलेम्याह का पुत्र जकरियाह मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वह 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वासयोग्य जानकर ठहराया था, वह अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। सो वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
चारों दिशा की ओर चौकी देते थे और उनके भाई जो गांव में रहते थे उनको सात सात दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे और वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी और भोर भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था और उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे और उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे दाखमधु तेल लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे और याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों में गंधी का काम करते थे और मत्तित्याह नाम एक लेवीय जो कोरही शल्लुम का जेठा था उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाए हुए वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था और उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हरेक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे। और ये गवये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और कोठरियों में रहते और काम से छूटे थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। यही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे और गिबोन में गिबोन का पिता ईएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ, फिर सूर कीश बाल नेर नादाब गदोर अह्यो जकरियाह और मिलकोत, और मिलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। और नेर से कीश, कीश से शाऊल और शाऊल से योनातन मलकीश अबिनादाब और एशपाल उत्पन्न हुए, और योनातन का पुत्र मरिब्बाल हुआ और मरिब्बाल से मीका उत्पन्न हुआ, और मीका के पुत्र पित्तोन मेलेक तमहे और अहाज थे, और अहाज से यारा और यारा से अलेमेत अजमावेत और जिमरी से मोसा और मोसा से बिना उत्पन्न हुआ, और बिना का पुत्र रपायाह हुआ, रपायाह का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ, और आसेल के छह पुत्र हुए जिनके ये नाम है अर्थात अज्रिकाम बोकरू इश्माएल शारियाह ओबद्याह और हनान। आसेल के यही पुत्र हुए।